once again welcome back to my channel ap education hub and in this video we'll do silapati karam and before this video i have already uploaded the complete introduction of this poem as well as i have uploaded the summary of book 1 the book of puhar book 2 the book of madurai and the book 3 the book of vanji i have uploaded the complete summary of all these three books also i have uploaded the kento 1 kento 2 and kento 7's summary and analysis which are coming in your exams so after kento 7 कैंटो एटीन इज कमिंग इन योर एग्जाम सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस द कैंटो एटीन ऑफ सिलापति करम विच इज़ द रेथ ऑफ सोरो तो देखो इस कैंटो में हम पढ़ने वाले हैं कनगी के दुख के बारे में जब कनगी को पता लग जाता है कि उसके हस्बैंड को मार दिया गया है तो उसी के बारे में इस कैंटो में बताया गया है तो वही चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे सो विल डिस्कस द समरी एज वेल एज द एनालिस ऑफ दिस कैंटो सो विदाउट एनी डिले start स्टार्ट दिस सो कैंटो depicts the दानीज सिचुएशन ऑन लर्निंग ऑफ kovalan's डेथ तो देखो कैंटो 18 में हमें कानगी की सिचुएशन पता लगती है कि जब उसको पता लगता है कि उसके हस्बैंड को मार दिया गया है उसके बाद कानगी की क्या सिचुएशन होती है वो हमें इस कैंटो में बताया गया है तो कैस देखो जो लास्ट कैंटो था कैंटो सेवन अगर आप लोगों ने वो कैंटो नहीं देखा है देन आई एम गिविंग दिस आई बटन हेयर आप लोग कैंटो सेवन देख ले क्योंकि कैंटो सेवन भी आप लोगों के एग्जाम्स में आ रहा है सो कैंटो सेवन में हमने पढ़ा था मधावी के बारे में और कोवलन के बारे में कि वो दोनों सी साइड पर गए हुए थे और किस तरीके से कोवलन वहां से बिना बताए आ जाते हैं उसके बाद के केंटो में गाइस क्या होता है ना मधावी कोवलन को मनाने के लिए भेजती है लेटर्स और वो काफी कोशिश करती है कि कोवलन उसके पास वापस आ जाए लेकिन कोवलन वापस नहीं जाता है और वो कनगी से माफ़ी वगैरह मांगता है और कनगियों उसे माफ़ कर देती है उसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ मदुरई सिटी में आ जाते हैं अपनी लाइफ को दोबारा से अच्छे तरीके से स्टार्ट करने के लिए और जब वो मथुराई सिटी में आते हैं तो कनगी अपनी एक एंकलेट दे देती है कोवलन को कि तुम जाओ और इस एंकलेट को मार्केट में बेचकर पैसे कमाएंगे और उसके बाद हम अपनी यहाँ पर दोबारा से लिविंग स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से तो जब कोवलन जाते हैं उस एंकलेट को बेचने के लिए तो एक गोल्ड स्मिथ जो है वो इस किंगडम की कौन से किंगडम की पंडिया किंगडम की जो क्वीन होती हैं उनके एंकलेट चुरा लेता है गोल्ड स्मिथ और उसके बदले में वो फंसा देता है कोवेलन को और वो कोवेलन को पकड़ कर ले जाता है किंग के पास और किंग कोवेलन को मारने का डिसीजन दे देते हैं किंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं क्योंकि वो क्वीन को मना रहे होते हैं क्योंकि क्वीन उनसे गुस्सा होती है तो यहाँ पर किंग ये मिस्टेक कर देते हैं और कोवेलन को मार दिया जाता है तो कैंटो सेवन से लेकर कैंटो एटीन के बीच में ये सारे इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं तो गाइज अब आप लोग कैंटो एटीन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो अब कानगी को पता लगा कि उसके हस्बैंड को मार दिया गया है तो इस कैंटो में हम उसकी वही सिचुएशन देखने वाले हैं सो कैंटो एटीन बिगिन्स विद द एंड ऑफ राउंड डांस एंड मधारी गोज टू द वही रिवर फॉर बाथिंग तो गाइज देखो जो लास्ट कैंटो था कैंटो सेवेंटीन उसमें कानगी ने कुछ बैड ऑमेंस देखे और उन बैड ऑमन्स को वो सोचती है कि ये बैड ऑमन्स कहीं कोवलन के लिए कुछ बुरा ना लेकर आ जाएं और इसीलिए वो लास्ट कैंटो में एक राउंड डांस परफॉर्म करती है जो राउंड डांस होता है वो लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में होता है तो वो इस राउंड डांस को इसीलिए अरेंज करती है इसीलिए परफॉर्म करती है ताकि जो भी बुराईया कोवलन के ऊपर आने वाली हैं वो सब टल जाए और इसी कारण लास्ट कैंटो में वो ये वाला डांस करती है सो ये कैंटो उस डांस के एंड के साथ स्टार्ट होता है इस कैंटो की स्टार्टिंग में ये जो डांस था वो एंड हो जाता है डांस के लिए कानगी ने और भी लेडीज को इकट्ठा कर रखा था तो जो मधावरी होती है जिसके घर में कानगी रह रही होती है मधारी भी वो डांस परफॉर्म कर रही होती है और डांस खत्म होने के बाद वो मधारी चली जाती है वही रिवर पर नहाने के लिए एंड देन कानगी कम्स टू नो अबाउट द मर्डर ऑफ अर हजबैंड एंड एट दैट मोमेंट ऑफ रिविलेशन नोबडी इज देअर विद हव तो देखो गाइज उसके बाद जो कानगी होती है उसको पता लग जाता है इस मर्डर के बारे में इससे पहले इस मर्डर के बारे में पता लग जाता है मधारी को जब वो नहाने के लिए जाती है कानगी को जब इस बारे में पता लगता है तो कनगी के पास कोई भी नहीं होता है शी इज अलॉन इन द हाउस एंड देन कानगी डेस्परेट टू नो अबाउट द वेर अबाउट ऑफ हर हसबेंड एंड शीज सर्चेज फॉर हिम तो जब कनगी को इस बारे में पता लगता है तो कनगी ढूंढती है कि उसका हस्बैंड जो है वो कहाँ पर है एंड देन कानगी रेजेस एंड क्राइज अंटिल हर राइस टर्मस रेड तो देखो गाइज उसके बाद जब कनगी को इस बारे में पता लगता है तो कनगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है आक्रोश में आ जाती है रेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है आक्रोश में आ जाती है एंड शी राय और रोते रोते जो उनकी आंखें हैं वो एकदम रेड हो जाती हैं एंड एंड देन क्वेश्चन द स्टेट ऑफ विडोहुड अपॉन हर एंड ब्लेम्स द इन्सिबल किंग फॉर इट सो सुज यहाँ पर कानगी जो है वो आक्रोश में आ जाती है रेजेस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आक्रोश में कानगी यहाँ पर आ जाती है और उन्हें पता लगता है कि उनके हस्बैंड को जो किंग के ऑर्डर के बाद मारा गया है तो वो किंग को ब्लेम करती हैं कि किंग जो है वो बहुत ज्यादा इर रिस्पॉन्सिबल हैं मतलब जिम्मेदार नहीं है और वो अपनी स्टेट ऑफ विडो पर भी कमेंट करती हैं कि अब वो मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो वो इस चीज़ पर मौन करती हैं दुख मनाती हैं बहुत ज़्यादा और किंग को इस सब चीज़ों के लिए ब्लेम करती है सच अ होम कीपर इज चैलेंजिंग एंड अपेथेटिक किंगशिप नाउ तो देखो अब जो कानगी है वो एक होम कीपर थीं अब तक कि उन्होंने अपने हस्बैंड तक से आज तक एक क्वेश्चनिंग नहीं की थी बट अब कानगी जो है वो इतने बड़े किंग को चैलेंज कर रही हैं सो so, हम यहाँ पर ये यह कह सकते हैं कि सच ए होम कीपर इज चैलेंजिंग एंड अपथेटिक किंगशिप नाउ कि अब वो एक किंग को चैलेंज कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कांगी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि कहाँ वो एक होम कीपर थी और अब वो किंग को चैलेंज कर रही हैं एंड देन कांगी अपील्स टू द सन हु इज द एटर्नल विटनेस टू द रिवील द ट्रूथ एंड हस्बैंड इज नॉट अ थी तो देखो उसके बाद जो कानगी है वो सन से अपील करती हैं सन जो है एक अटरनल विटनेस मतलब एक नेचुरल विटनेस है इस इंसिडेंट की और वो सन से अपील करती हैं कि सन आ, सामने आकर सब कुछ रिवील करे सच बताएं एंड द सन आंसर्स दैट हर हस्बैंड इज नॉट अ थीफ एंड देट आर फायर विल बर्न दिस सिटी की जो एक रेजिंग फायर है ये सिटी को जला देगी जो कानगी की रेजिंग फायर है मतलब आक्रोश में कनगी स्टैंड जल रही है तो सन यहाँ पर क्या कमेंट करते हैं रेजिंग फायर विल बर्न दिस सिटी एंड विद दिस लाइन दिस कैंटो एंड ये कैंटो जो है बहुत ज्यादा छोटा कैंटो है हम कह सकते हैं और यहाँ पर जब सन अपीयर होते हैं सन कानगी की अपील सुनकर जब सामने आते हैं सन कहते हैं कि हाँ मतलब कनगी के जो हस्बैंड है वो चोर नहीं है एंड दिस रेजिंग फायर विल बर्न द सिटी क्योंकि कनगी का जो ये आक्रोश है ये इस पूरी सिटी को जला देगा और ये कहीं ना कहीं सच भी है ऐसा हो जाएगा सो so, ये कैंटो जो है इस लाइन के साथ यहां पर एंड हो जाता है गाइस सो आई होप आप लोगों को ये कैंटो एटीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स आल्सो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माय फेसबुक पेज एंड गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो डू फॉलो मी माइन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज एंड ये गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू